अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस कितने टाइप की होती है। देखिए, सबसे पहले हमारी होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, आपको ऐसे याद रखना है ए मैट्रिक्स, उसके बाद ये लाइन याद रखनी है बस, हैविंग ओनली वन रो, यानी कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, यानी वन रो होगी, और कॉलम कितने होंगे, जितने मर्जी हो, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कॉलम के ऊपर। तो सिर्फ हमारे जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो हो और कॉलम जितने भी हो, तो उसे हम बोलते हैं वो हमारी रो मैट्रिक्स है। देखिए, जैसे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, इसके अंदर देखिए रो वन है और कॉलम कितने हैं, वन टू थ्री, यानी कि ये वन क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, यानी रो लेकिन वन है। इसके अंदर देखिए वन रो है लेकिन कॉलम वन टू थ्री फोर, ये वन क्रॉस फोर की मैट्रिक्स है लेकिन इसके अंदर रो वन है। तो जब रो वन हो तो उसे बोलते हैं वो हमारी रो मैट्रिक्स है। फिर सेकंड आती है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरीके से रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होनी चाहिए, उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ वन कॉलम होना चाहिए और रो कितनी भी हो सकती है इस केस में भी। तो देखिए, जैसे एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहां पर रो देखिए लेफ्ट टू राइट थ्री है और कॉलम आपका कितना है, ऊपर से नीचे वन है। ऐसे ही यहां पर देखिए रो लेफ्ट टू राइट टू है और ऊपर से नीचे कॉलम कितने हैं, वन है। तो देखिए कॉलम वन है। तो जब भी कॉलम वन हो किसी भी मैट्रिक्स में तो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है, और जब रो वन हो तो वो हमारी रो मैट्रिक्स होती है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स के नंबर जो है वो सेम ना हो, ये ऑर्डर से पता चल जाता है। देखिए, अब इसका ऑर्डर कितना है, टू रोज है और थ्री कॉलम्स है, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, इट मींस ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पर देखिए थ्री क्रॉस टू की मैट्रिक्स है, ये थ्री रोज है और टू कॉलम्स है, तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है। और वैसे भी देखिए आप, इसकी शेप जो है रेक्टेंगल जैसी है, जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तो ये रेक्टेंगल जैसी इसकी शेप है, इसलिए इसका नाम जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पड़ा। उसके बाद देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो इसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जब रोज और कॉलम सेम हो जाए, उनकी संख्या सेम हो जाए, उनका नंबर सेम हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम क्या है, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए, जैसे इसमें टू रोज टू कॉलम है, यानी देखिए दोनों नंबर सेम है, ये भी थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, इसमें भी रोज और कॉलम की जो नंबर है वो सेम है, और देखिए देखने में ये स्क्वायर जैसी है, देखने में ये आपको स्क्वायर जैसी नजर आएगी, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं मैं कि जब हम स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर ऐसा होता है, देखिए ये स्क्वायर भी ऐसा ही बना है, तो स्क्वायर के अंदर जो ये लाइन ड्रॉ की जाती है इसे हम बोलते हैं डायगोनल। इसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल। अब अगर आप अपने माइंड में ऐसा सोचे कि अगर मेरे को यहां ड्रॉ करना हो तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है, इसमें भी ऐसे ही अगर आपको ड्रॉ करना हो तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है। तो देखिए, जो स्क्वायर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल की बात नहीं करेंगे, यहां रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। हालांकि वो चीज अलग है ज्योमेट्री की, कहीं कहीं कंसेप्ट मिलते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलते। तो यहां पर रेक्टेंगल की डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं होगी, स्क्वायर में डायगोनल की बात होगी। तो देखिए, जो एलिमेंट डायगोनल के ऊपर लाई कर रहे हैं, देखिए यहां पर कौन कौन सा कर रहा है, टू और वन, यहां पे कौन कौन सा कर रहा है, वन वन और ये टू। तो जो एलिमेंट डायगोनल के ऊपर लाई करते हैं उसे बोलते हैं हम, वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। ठीक।
ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जो एलिमेंट डायगोनल के ऊपर लाई करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में उसे हम कहेंगे वो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं वो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है, टू और वन क्या है हमारे डायगोनल एलिमेंट है, और फाइव और सेवन क्या है हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। बी मैट्रिक्स में देखिए ये वन, ये वाला वन और ये टू, ये हमारे क्या है डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और ये टू वन, ये टू और ये वन, ये वन और ये वन, ये हमारे क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब देखिए दूसरा एक और देखिए, अगर मैं ये इस एलिमेंट की बात करूं तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका ए वन वन एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये सेकेंड रो है, देखिए 21, ये 22, यानी कि ये ए टू टू एलिमेंट है। अब यहां पर भी देखिए ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है आपका, बी वन वन एलिमेंट है। ये एलिमेंट कौन सा है आपका, बी टू टू एलिमेंट है। और ये एलिमेंट कौन सा है आपका, बी थ्री थ्री एलिमेंट है। यानी कि वो एलिमेंट जो सेम रो और सेम कॉलम के फिक्स मिलते हो, जिसमें ये दोनों नंबर मिलते हो, वो हमारा डायगोनल का एलिमेंट होता है। देखिए यहां पर ए वन वन, ए टू टू, तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं कौन कौन से हमारे डायगोनल एलिमेंट है, और जिसमें ये दोनों के दोनों मैच नहीं करते उसे हम बोलते हैं वो हमारा क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो यहां देखिए ए वन वन और ए टू टू ये डायगोनल एलिमेंट है, यहां बी वन वन, बी टू टू, बी थ्री थ्री ये डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि ये मैच कर रहे हैं वन वन, टू टू, थ्री थ्री, और बाकियों में मैच नहीं करेंगे। आप लिखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एक सब फॉर्म है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिन इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे A इज इक्वल टू, जैसे मैं 2x2 की बनाता हूं इस टाइप की, तो आपको पता है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हमारा क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब बाकी जो डायगोनल के एलिमेंट है वो ये दोनों है, ये दोनों है, ये डायगोनल एलिमेंट है, यानी जो यहां आना है और जो यहां आना है, वो जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये ध्यान रखना है, वो जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे मैं यहां लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं फाइव और यहां लिख लेता हूं जीरो। तो अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स को नहीं देखना हमें, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, वो जीरो हो या ना हो, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, तो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब देखिए दोबारा से बी मैट्रिक्स में बनाऊं अगर 3x3 ऑर्डर की इस टाइप की, देखिए तो ये डायगोनल एलिमेंट बनेंगे आपके तीन। अब बाकी को जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, वो जीरो होने चाहिए, ये बनेंगे देखिए बाकी, ये बाकी सब जीरो होने चाहिए। अब जो मैंने छोड़ दिए वो कुछ भी हो सकते हैं, जीरो हो या ना हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये वाले एलिमेंट जीरो है या नहीं है, लेकिन ये जीरो होने चाहिए थे। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां टू लिख दिया, यहां -1 लिख दिया, इसे मैंने जीरो लिख दिया। तो ये जीरो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किस पर फोकस करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सभी के सभी जीरो होने चाहिए। अगर एक भी जीरो ना हुआ तो वो नॉन डायगोनल वो डायगोनल मैट्रिक्स फिर नहीं कहलाएगी। अगर मान लो मैं यहां टू लिख दूं और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो ये मैट्रिक्स हमारी डायगोनल नहीं कहलाएगी उस केस में। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ये बात आपने बार बार ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स
इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखिए आधी बात तो यही है ऊपर वाली कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी और रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं बन सकती, स्केलर ये सब टाइप है ये भी किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो इसके अंदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो तो क्या होने चाहिए, वो तो जीरो ही होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो देखिए जैसे मैंने ए ली तो आधी बात तो पिछले वाली मैट्रिक्स की ही लेनी है, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अब बी वाली मैट्रिक्स बनाऊं, इसमें भी क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। हाँ आप देखिए, और साथ में क्या बात है कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होने चाहिए। यहां पर ये नहीं था कि इक्वल होने चाहिए, अगर इक्वल हो गए तो मान लो यहां टू है तो यहां भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा। यहां मैंने फाइव लिख दिया तो तीनों को फाइव ही लेना पड़ेगा। तो ये मेरी क्या बन गई, स्केलर मैट्रिक्स बन गई। स्केलर मैट्रिक्स में दो बातें ध्यान रखनी है, डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर दो बातें ध्यान रखनी होती है, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, बाकी दूसरे जो एलिमेंट है वो कैसे भी हो सकते हैं। तो ये हमारी कुछ टाइप की है, हमने रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। अभी हमारी दो तीन टाइप्स की मैट्रिक्स और रहती है, वो भी हम अभी इसी में कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी। क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, यूनिटी जिसे बोलते हैं, एंड डायगोनल एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट। देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वन होंगे, उसे बोलेंगे वो क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जैसे मैं ये लिखूंगा आई, तो देखिए इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये दो होते हैं, ये स्केलर जैसी ही है, स्केलर में भी यही था आपका, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे वहां पर, सेम होते थे, लेकिन वहां पर वन के अलावा भी कुछ भी हो सकते थे, लेकिन यहां पर नेसेसरली क्या होंगे, वन ही होंगे। तो अब ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 वाली मैंने बनाई, तो इसे हम लिखते हैं I2। इसका नाम भी फिक्स होता है, आई से ही हम डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ये आपके पेपर में भी आई से ही लिखी आएगी, बहुत जगह इस मैट्रिक्स का यूज होगा। अब जैसे I3 बनाऊंगा, यानी कि मुझे 3x3 ऑर्डर की बनानी है, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी 3I3 कहलाएगी, यानी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब के सब क्या है, हमारे 0 है। तो ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 4 की होगी उसमें भी हम एक 1 और बढ़ जाएगा, बाकी सब 0 बढ़ जाएगी। और तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगल भी हो सकती है। तो इसे देखिए, तो जो जीरो मैट्रिक्स है वो ज्यादातर हम ओ से शो करते हैं, और ये कुछ भी हो सकती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ये मैंने स्क्वायर, ये क्या बनाई है, मैंने जीरो मैट्रिक्स बना दी। ये 2x3 ऑर्डर की है, मैं एक और बनाता हूं O2, ये 2x2 ऑर्डर की बना देता हूं, इसलिए भी सारी एलिमेंट्स क्या है, इसके जीरो है। हालांकि आप अभी आप ज्यादा, क्योंकि आप लो स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में भी फर्क किया जाता है। इसको जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है जो रेक्टेंगुलर टाइप की होती है जीरो मैट्रिक्स, और जो स्क्वायर टाइप की जीरो मैट्रिक्स होती है उसे हम नल मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो ये इसके आगे 2 भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि इसमें रो कॉलम सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हालांकि आप बस सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखें, जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, वो कितने भी ऑर्डर की क्यों ना हो।
तो ये हमारी सब दोनों की दोनों क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो इसके अंदर ये डायगोनल है हमारा, जैसे अब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई है तो उसके अंदर जो एलिमेंट यहां आते हैं वो मैं बता चुका हूं वो क्या है हमारा, ये जो डायगोनल बना है इसे ही हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो उसमें देखिए क्या कहा है उसने, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, यानी कि ए मैट्रिक्स इन विच अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। यानी कि देखिए अगर मैं 2x2 की मैट्रिक्स बनाता हूं, ध्यान से देखना, तो एक एलिमेंट यहां आएगा, एक एलिमेंट यहां आएगा। बी अगर मैं 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूं तो जो डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो जो डायगोनल एलिमेंट आएंगे वो ये तीन आएंगे ऐसे इस लाइन के ऊपर आएंगे। तो वो ये कह रहा है कि अब ये डायगोनल है, इसके ऊपर भी एक एलिमेंट यहां आएगा और एक एलिमेंट यहां आएगा। देखिए अब ध्यान से समझिए, अब यहां पे भी कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आ गए हमारे, ये माइनस लिख दिया मैंने, ये स्टार लिख दिया मैंने, ये मैंने हैश लिख दिया, यानी कि इनको छोड़कर ये जीरो जीरो जो मैं डाल रहा हूं ये डायगोनल के एलिमेंट है जीरो वाले। अब देखिए इसके अंदर बात करूं, अगर इसके नीचे के बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले जीरो हो जाए एलिमेंट, तो यहां पर देख एक ही है ये, तो ये जीरो अगर हो जाए इसमें देखिए, इसमें 3x3 मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट है, इसके नीचे वाले कौन से हैं, ये तीनों हैं, ये तीनों क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी हमारी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब ऊपर के और ये डायगोनल वाले एलिमेंट कुछ भी हो, जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी, जो डायगोनल के नीचे वाले हैं वो जीरो होने चाहिए, देखो ये जीरो कर दिया, ये जो डायगोनल के नीचे वाले हैं ये जीरो कर दिया, बट ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ये कुछ भी हो सकते हैं, यहां मैंने 2 लिख लिया, यहां -1 लिख लिया, यहां 5 लिख लिया, ऐसे ही यहां पे अब ये जो हमारे एलिमेंट है बाकी जो डायगोनल से नीचे के जीरो कर चुका हूं, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये -1 हो गया, ये 5 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी कि जो डायगोनल से देखिए आप प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जीरो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जीरो हैं, डायगोनल वाले और डायगोनल से ऊपर वाले कैसे भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डायगोनल से नीचे वाले हैं वो हर एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो उसे कहेंगे वो क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उल्टा होता है देखिए, नाम अपर है लेकिन जीरो कौन से हो रहे हैं, नीचे वाले बिलो वाले। अब ये मैट्रिक्स जो अगली करेंगे इससे उल्टी है, इसमें लोअर नाम लोअर ट्रायंगुलर है लेकिन इसमें ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। तो देखिए जैसे अब ये बनाता हूं मैं ए, तो डायगोनल एलिमेंट ये है, यानी इसके डायगोनल के एलिमेंट ये बनेंगे, इससे ऊपर वाला जीरो होना चाहिए, इसमें नीचे वाला जीरो होता था इसमें ऊपर वाला जीरो होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर अगर मैं बी बनाऊंगा तो इसमें जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट बनेंगे ये तीनों, इसके ऊपर वाले क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ये मैंने तीनों जीरो कर दिए। अब बाकी जो एलिमेंट है वो कुछ भी हो, तो ऊपर के अगर मेरे जो हमारा डायगोनल है उसके ऊपर वाले जीरो हो जाते हैं तो उसे लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं, और अगर नीचे वाले जीरो होते हैं तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां 2 ले लिया, -1 1, यहां 5, यहां 3, यहां 2, ये -1 7 5,
अगर आपको कोई एग्जांपल देने के लिए कहता है तो आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। नंबर मैंने याद नहीं किए हुए, जो मेरे माइंड में आ जाता है मैं वो लिख देता हूं, जो आपके माइंड में आए आप वो लिख सकते हैं। लेकिन बस कंडीशन ये है कि देखो इसमें ये जीरो हमारा फिक्स है, लेकिन इसमें इस एलिमेंट से ऊपर वाले जीरो डालने पड़ेंगे डायगनल से, बाकी कुछ भी डालिए आपकी मर्जी है। तो ये सारी की सारी हमारी मैट्रिसेस की टाइप है, तो ये आपको बहुत काम आएगी आगे के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी टाइप की मैट्रिसेस होती है। तो आज हम मैट्रिसेस में करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो हम कब कहेंगे कि दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, तो उसके लिए देखिए दो कंडीशन है। पहले तो मैं आपको एज ए ले मैन लैंग्वेज बताऊं, तो जो मैट्रिसेस बिल्कुल देखने में एक जैसी है वो क्या है हमारी इक्वल है। जैसे जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है 2 5 7 3, एक मैट्रिसेस मैं लिखता हूं 2 5 7 3, तो दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 5 7 3 और यहां मैंने लिखा 5 2 3 7, तो दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। उसके बाद अगर आपने ऐसा लिखा 2 5 7 3 2 5 7 3, तो ये मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं है। तो देखिए अब आइए डेफिनेशन से, टू मैट्रिसेस सपोज करो एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, तो वो हम उनको कहेंगे वो इक्वल है। कब है इक्वल मैथमेटिकली, कब कहेंगे इक्वल उसे इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज सेम। जो मैट्रिक्सिस का ऑर्डर है, दोनों मैट्रिक्सिस का ऑर्डर वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए इस मैट्रिक्स का में एलिमेंट सेम है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के एलिमेंट सेम है, लेकिन एलिमेंट्स की पोजीशन सेम नहीं है। एलिमेंट्स की पोजीशन सेम नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि यहां की पोजीशन और यहां की पोजीशन आपस में डिफर करती है। जैसे कि अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसमें A11 पोजीशन है, A12 पोजीशन है, इसमें A21 पोजीशन है, A22 पोजीशन है, और इसमें ये B मैट्रिक्स अगर है तो इसमें B11 पोजीशन है, B12 पोजीशन है, B13 पोजीशन है और B14 पोजीशन है। तो देखिए यहां पर जो पोजीशंस दी गई है वो इनकी पोजीशन से मैच ही नहीं करती, तो वो पोजीशंस भी मैच करनी चाहिए। और पोजीशंस कब मैच करती है, तब मैच करती है जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है। तो यहां मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अब देखिए इसमें और इसमें, इसमें और इसमें देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर यहां भी 2x2 है, यहां भी 2x2 है, अब यहां भी 2x2 है, यहां भी 2x2 है, यहां 2x2 है और यहां पर 1x4 है। तो अब यहां तो ये तो इसी वजह से ही फेल हो गई, ये इक्वल हो ही नहीं सकती क्योंकि इनका ऑर्डर ही इक्वल नहीं है। पहली चीज तो दो कंडीशन चेक करनी होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, सबसे पहले तो ऑर्डर ही देख लेना चाहिए, जब ऑर्डर ही सेम नहीं है इट मींस वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती। दूसरा द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम पोजिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, जो मैट्रिक्सिस एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की पोजीशन है वो दूसरे दूसरी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उससे बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अब देखिए यहां पर यहां अगर इस वाली मैट्रिक्स की बात करूं, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, यहां मैट्रिक्स की पोजीशन क्या है A11, यहां A12, ये A13, ये A21, ये B11, ये B12, ये B21 और ये B22 है आपका। अब आप यहां पर देखिए ये इस बात को कहने का मतलब उसका क्या है, इस बात को कहने का मतलब उसका ये है कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। देखिए 1-1 पोजीशन वाला एलिमेंट 1-1 पोजीशन से मैच करना चाहिए, जो कि मैच नहीं कर रहा। अब यहां पर देखिए 2 5 7 3 है इस मैट्रिक्स में, इसमें भी 2 5 7 3 है, मैट्रिक्स के एलिमेंट तो सेम है लेकिन उनकी पोजीशन बदली हुई है,
तो जब उनकी पोजीशन भी बदली हुई होगी तब भी वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होगी, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो भी सेम होनी चाहिए। क्यों? यहां पर देखिए, इसी एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी पोजीशन सेम ना हुई, यानी कि सेम पोजीशन के एलिमेंट इक्वल नहीं हुए, एक भी ऐसा एलिमेंट हमें अगर मिल जाता है तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं कहलाएगी। तो देखिए, जैसे यहां 1-1 पोजीशन पे 2 है, यहां 1-1 पोजीशन पर 5 है, तो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अब देखिए, अब यहां पर ये मैट्रिसेस इक्वल है सिर्फ, क्यों? देखिए 1-1 पोजीशन, यहां इसकी 1-1 पोजीशन, इसकी 1-2 पोजीशन, इसकी 1-2 पोजीशन, इसकी 2-1 पोजीशन, इसकी 2-1 पोजीशन, इसकी 2-2 पोजीशन, इसकी भी 2-2 पोजीशन। ये बी मैट्रिक्स है, इसको ए और इधर बी मैट्रिक्स ही चल रही है। तो देखिए, यहां पर ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स की पोजीशन पर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, पोजीशंस पर जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के जो सेम पोजीशन के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इक्वल है। तो इट मींस ये मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है सेम पोजीशन वाले वो क्या है? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो तब दो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी? इक्वल कहलाएंगी। तो ये मैट्रिसेस इक्वल है ना, ये मैट्रिसेस इक्वल है और ना ही ये मैट्रिसेस इक्वल है। अब देखिए, अब इनके हम करते हैं 1 और 2 एग्जांपल्स। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। अब देखिए, दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इट मींस क्या हुआ कि उनकी जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं, सेम पोजीशन के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं, वो इक्वल होंगे। यानी देखिए, 1-1 पोजीशन, 1-1 पोजीशन के इक्वल पुट करनी होगी हमें, यानी ये इसके इक्वल रखना होगा। देखिए, ये इसके इक्वल है ही है, ये भी इसके इक्वल है, और इसको इसके इक्वल रखना है। यानी आपकी वाई की वैल्यू कितनी आई? 2y। इसको इसके इक्वल रखकर अब 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। यहां पर अगर मैं इसमें 2 की वैल्यू पुट करता हूं तो x+2=1, यानी x=1 -2=-1। सो आंसर इज x=-1 एंड y=2। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। अब ऐसे ही इस वाले एग्जांपल में देखिए, ये इक्वल दिया हुआ है और आपको कहा है फाइंड x, y एंड z। x, y, z की वैल्यू निकालिए, ये अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो देखिए, सेम पोजीशन के इक्वल होने चाहिए। यहां गलती से लिख दिया मैंने, 7 आना चाहिए, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 ही होना चाहिए, या कोई वेरिएबल होता जिसकी वैल्यू निकालनी होती हमें। अब देखिए, यहां से 2x+y किसके इक्वल है? 8 के रखा जाएगा। 2+z किसके इक्वल रखा जाएगा? 6 के इक्वल रखा जाएगा। और 1+y किसके इक्वल रखा जाएगा? 4 के इक्वल रखा जाएगा। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं, 4-1 3 आ जाएगी। यहां से जेड की वैल्यू निकालता हूं तो मैं 6-2 4 आ जाएगी। अब यहां पर देखिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि 3 है, ये यहां आएगा, तो 2x हमारा 5 आएगा, 8-3=5, यानी एक्स की वैल्यू आपकी 5/2 आ जाएगी। तो ये सब आपके 3 जो है हमारे आंसर आए हैं। इसका जो आंसर होगा x=5/2, y=3 और z=4। तो हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं, तो और इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती मैट्रिक्स के अंदर, आप इसको एज इज रख सकते हैं। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है बाय व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहां से देखिए, a+b किसके इक्वल आएगा? 6 के इक्वल आएगा। और ab किसके इक्वल आएगा? 8 के इक्वल आएगा। a+b वाली पोजीशन इस वाली पोजीशन के इक्वल, 6 के 2-2 के इक्वल है, 5-5 के इक्वल है, ab किसके इक्वल है? 8 के। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है। 4 दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हम यहां से देखिए, हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी आपकी वैल्यू?
एट बाय ए। अब ये वैल्यू यहां पुट करता हूं, अगर मैं ए प्लस एट बाय ए इक्वल टू सिक्स, अगर आप यहां से एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू सिक्स ए, ये कैंसल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस एट इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम फैक्टर करेंगे तो फोर और टू बनेंगे आपके यहां से, दिस इज इक्वल टू जीरो, ए ए माइनस फोर, माइनस टू कॉमन लेंगे, यहां से भी ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो, अब ये ए माइनस फोर और ए माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ए माइनस फोर को जीरो रखेंगे आप तो यहां से a की वैल्यू 4 आएगी, और अगर आप a माइनस टू को जीरो रखेंगे तो आपकी a की वैल्यू 2 आएगी। अब यहां से देखिए दो केस बन गए, a की दो दो वैल्यू हो सकती है, जब a की दो वैल्यू हो सकती है तो इसका मतलब b की भी दो वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू यहां से निकलेगी। अब यहां पर आप लिखेंगे केस वन, केस वन में क्या है, a आपका आया है 4, तो b कितना आएगा, b इज इक्वल टू 8 बाय a, यानी कि 8 बाय 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और केस 2 में देखिए ए आपका कितना है, 2 ले लीजिए, तो बी 8 बाय ए है, तो यहां से अगर आप 8 बाय 2 करेंगे तो बी कितना आएगा, 4 आएगा, यानी ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 2 आएगी, ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 4 आएगी। तो यानी हमारे जो आंसर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 2 एंड ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन अगर आएगा वो इस टाइप का आएगा, कुछ वेरिएबल्स आपको दिए होंगे, आपको मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके जितने भी ऑपरेशंस हैं उनका यूज करके हमें इन्हें सोल्व करना होता है। देखिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ये दो मैट्रिसेस हमें इक्वल दी हुई है, तो अब यहां से देखिए 2x प्लस वाई किसके इक्वल रखा जाएगा, 6 के, और यहां से 2x माइनस वाई रखा जाएगा 3। अब ये इक्वेशंस आपने सॉल्व कर ली, पहले से ही सीखी हुई है, तो इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो देखिए ये कैंसल हो जाएगा, यानी 4x आएगा आपका किसके इक्वल, 9 के, यानी x की वैल्यू आपकी आएगी 9/4। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो आपका देखिए यहां से 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो 2x की जगह हम 9/4 पुट करेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 6, 2 2 जा 4, यानी y इज इक्वल टू 6 माइनस 9/2 आएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे 2, तो यहां से 12 माइनस 9 यानी कि आपका 3/2 आएगा, यानी आपका जो आंसर होगा x इक्वल टू 9/4 और y इज इक्वल टू 3/2 होगा। तो इस टाइप से हमारा कोई भी क्वेश्चन इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस में पूछा जा सकता है, वो हमेशा इसी टाइप से आएगा कि जिसमें आपको कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल